एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। ये जो जिंदगी की कहानी है, हर दिन एक नई परेशानी है। कुछ लोगों की मेहरबानी है और कुछ अपनी नादानी है। किसी बुजुर्ग ने एक बात सिखाई थी, अगर गलती तुम्हारी हो तो 100 बार झुक जाना, अगर गलती तुम्हारी नहीं हो तो रुक जाना पर झुकना नहीं। मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जिंदगी। अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को अपनी याद दिलाना, अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे। माना कि तुझसे दूरियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, पर तेरे हिस्से का वक्त आज भी तन्हा गुजरता है। बुढ़े वक्त में सबके असली रंग दिखते हैं, दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। माली प्रतिदिन पौधे को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं, इसलिए जीवन में धैर्य रखे, प्रत्येक चीज अपने समय से ही होगी। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अच्छाई एक न एक दिन अपना असर जरूर दिखाती है, भले ही थोड़ा वक्त ले ले, बस सब्र का दामन पकड़ कर रखें। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए दुनिया को कोशिशें नहीं बल्कि साजिशें करनी पड़े। प्रशंसक हमें बेशक पहचानते होंगे, मगर शुभचिंतकों की पहचान खुद ही करनी पड़ती है। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता दोस्त। कुछ लोग तो यह सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। इज्जत कमाना धन कमाने से ज़्यादा मुश्किल है, और इज्जत गंवाना धन गंवाने से ज़्यादा आसान है। चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रवैये अजनबी हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। सम्मान का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना ही पड़ता है। समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती, वो तो आपकी क्षमता के अनुसार छोटी या बड़ी होती है। हर इंसान को भाग्य से ज़्यादा मिलता है। यदि आप सोचते हैं कि आपके पाँव में जूते नहीं हैं, तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पाँव ही नहीं है। स्वाभिमान इतना भी मत बढ़ाना कि अभिमान बढ़ जाए, और अभिमान इतना भी कम मत करना कि स्वाभिमान मिट जाए। मशहूर होने का शौक यहाँ किसे है साहब, मुझे तो मेरे अपने ही ठीक से पहचान ले तो भी काफ़ी है। रखते नहीं खबर कि कौन कैसा है, कर लेते हैं भरोसा हर किसी पर, अपना तो दिल ही ऐसा है। गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा, यह दुनिया है दोस्त, यहाँ सबको चाहिए मौका। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये बात और है कि मुझे ये साबित करना नहीं आया। लाइफ में एक डिलीट बटन जरूर रखो, कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को जरूर डिलीट कर दो। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जो कर्म करने के बाद फल की भी इच्छा नहीं करता, उसकी मदद करने के लिए तो खुद भगवान को रास्ता बनाना पड़ता है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। आप किसी भी इंसान का दिल बस तब तक दुखा सकते हैं जब तक कि वो इंसान आपको प्रेम करता है। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते,
दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। बातों से दिए गए तानों के जख्म बड़े गहरे होते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। वक्त बड़ा धारदार होता है, कट तो जाता है मगर बहुत कुछ काटने के बाद। जब भी कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे, उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। मेहनत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी जब होगी उसकी मर्जी। फितरत तो कुछ यूं भी है इंसान के, बारिश खत्म हो जाए तो छतरी भी बोझ लगती है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक दिन मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेचकर।